रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद साइम और आप देख रहे हैं डॉन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से सीलिंग फ़ैन के फॉल्ट को चेक कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कोई सीलिंग फ़ैन परचेज़ करना है तो उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तीन खूबियों वाला दोस्तों आपने परचेज़ करना है। एक तो दोस्तों वो प्योर कॉपर का हो, और दूसरा दोस्तों वो अच्छी कंपनी का हो, GFC वगैरह MSI वगैरह का, और तीसरा उसका वेट अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, ये तीन खूबियों वाला फ़ैन आपने परचेज़ करना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक उन्होंने मेरा चैनल डार इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल के आइकन पर भी दबा कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को आप पूरा लाजमी देखें ताकि आपको इसकी समझ आ सके किस तरह से इसको चेक किया जाता है। दोस्तों सीरीज लीड की मदद से मैं इसे चेक कर रहा हूँ, देखें दोस्तों। ये देखिए मैंने सीरीज बोर्ड को ऑन कर लिया है। दोस्तों दो जो एक कलर की वायर्स होती हैं वो होती हैं कैपेसिटर की, आपने इन दोनों को लगाना है। ये देखें दोस्तों, इसको मैंने लगा लिया है, इस पर सर्किट नहीं बोल रहा। दोस्तों अगर पक्का ठीक होगा तो इन दोनों पर लगाएंगे तो सीरीज बल्ब हल्का ऑन होगा। अगर आपको नहीं पता सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं तो मैं आई नोटिफिकेशन पर क्लिक करके वो भी मेरी वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये इस पर लगाएंगे तो बल्ब तेज़ रोशन होगा, लेकिन इस पर भी रोशन नहीं हो रहा। ये देखें दोस्तों, ये देखें वैसे हो रहा है। दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए ये देखें पास पेज का से इसके इन बोल्ट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ओपन करने से पहले आपने इसको निशाने लगा लेनी है ताकि ये देखें दोस्तों इस जगह मैंने निशानी लगा ली है इसकी। इसके बाद दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूँ। ये दोस्तों ओपन नहीं हो रहा, दूसरे को कोशिश कर लेते हैं। ये देखें ये ओपन हो गया है। इसको भी दोस्तों ये भी नहीं ओपन हो रहा, और थोड़ी की मदद से दोस्तों हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। आपने इसकी नोक के ऊपर पेचकस रखना है और पीछे से हल्का हल्का से इसको दोस्तों इसको मैंने लगाया है मरतबा इस तरह लग के अपने ऊपर से भी लगा लेना ताकि इसका ऊपर वाला भी। ये देखें दोस्तों ओपन हो चुका है हमारा पेज। इस पेज को दोस्तों ओपन करने के बाद आपने इस नीचे वाले को खोलना है। दोस्तों जिस तरह हम उमन नट को खोलते हैं उसी तरह आपने इसको भी खोलना है। एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ग्लव्स उतारना पड़ेगा दोस्तों,
ये ले, ये देखें दोस्तों, ये उतार लिया दोस्तों मैंने, इसको कर देता हूँ मैं साइड पे, इन पेज को ही साइड पे कर लेता हूँ। और दोस्तों ये है पुलर, इससे हम इसको ओपन करेंगे, इसको दोस्तों मैं लगाता हूँ, ये देखें, तो दोस्तों स्क्रू एंड के वजह से मैं टाइट कर रहा हूँ। दोस्तों टाइट हो गया है, अब आपने सिंपली इसको स्पूलर की मदद से टाइट कर लेना है। दोस्तों अगर आपके पास स्पूलर नहीं है तो आपने कोई भी सरिया टाइप चीज़ इसके अंदर रख के, इस तरह ज़मीन के ऊपर रख के आपने इस तरह मारना है तो ये ओपन हो जाएगा। इसको मैं दोस्तों जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो ये इसका ये उतर गया है, इसको मैं दोबारा टाइट कर लेता हूँ। इसको दोस्तों मैं लगा कर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। दोस्तों मैंने इसको फुली टाइट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप, और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसको दोस्तों इस तरह रख लेता हूँ। दोस्तों ये ओपन होना शुरू हो गया है। ये देखें दोस्तों, ये हमारा फैन ओपन हो चुका है। दोस्तों इसको मैं कर लेता हूँ साइड पे। अब दोस्तों हमने इसको नीची तरफ से खोलना है, निचली तरफ से, जी हाँ दोस्तों हमने अब इसको निचली तरफ से खोलना है। निचली तरफ से दोस्तों खोलने के लिए मैं ये देखें, इसकी इस पिन को बाहर में निकालना होगा, इसकी ये वाली पिन को बाहर निकालना होगा। कि दोस्तों इसको मैं निकाल रखा हूँ, इसको आपने सीधा करना है। प्लास की मदद से दोस्तों उसको मैं सीधा कर लेता हूँ। दोस्तों इसकी पिन को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों इस रेंच की मदद से इस स्क्रू को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों इसको मैं ओपन करने लगा हूँ, ये देखें, स्क्रू को दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। अब सिंपली आपने करना ये है कि इसको पकड़ के रखना है और इसको खोलना है। ये देखें दोस्तों, इसको मैं खोल रहा हूँ। और दोस्तों अब आपने करना ये है कि दोस्तों सिंपली आपने बस करना अब ये है कि नीचे वाले टॉपिक खोलने के लिए एक ये लेना है। और दोस्तों आपने इसके अंदर जो है वो इसका कॉलर, इस तरह का जो कॉलर है इसके ऊपर मारना है। अगर साइड पे आप मारेंगे तो टापा टूटने का खतरा है। दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूँ आपके सामने।
दोस्तों आपने एक जगह से नहीं मारना। ये देखें दोस्तों ये टापा उतर गया। अब इसको हमें पुली ओपन कर लेना है। ये देखें पुली ओपन करने लगा हूँ। ये देखें दोस्तों फुली मैंने ओपन कर लिया है दोस्तों। ओहो ये देखें दोस्तों ये अंदर से बिल्कुल जल चुका है। ये देखें इसका ये वाला सेट बिल्कुल जल चुका है। ये देखें अंदर से, ये देखें पता नहीं क्या हुआ, या हाई वोल्टेज की वजह से जला है या फिर उसकी वजह से स्पार्किंग की वजह से, या वाटर डाल गया है या स्पार्ट हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों हमें ये चेक करना है कि ये सिल्वर वाइंडिंग है तो कॉपर, कॉपर है या सिल्वर। तो आपने सिंपली टेस्टर लेना है और इसको ऊपर से इस तरह से रगड़ना है। ये देखें दोस्तों ये अंदर से सफ़ेद निकला है, इसका मतलब है ये सिल्वर है। ये देखें ये देखें दोस्तों अंदर से ये देखें दोस्तों ये अंदर से सिल्वर है, इसका मतलब हमारी ये वार्निंग सिल्वर है दोस्तों। ये फ़ैन तो जल चुका है दोस्तों। अगर ये फ़ैन ठीक होता तो हम इसकी ये वाली वायर्स तब्दील कर देते। ये फ़ैन दोस्तों मुकम्मल जल चुका है। अब दोस्तों इसे वार्निंग करवाने के बाद हम इसको फिक्स करेंगे। बाकी हिस्सा दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में देखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल डार इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।